गाइस आपको तो मेरा नाम पता ही होगा। ये देखो आज हम लोग रेनबो जूस सेंटर में आए थे। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और यहाँ ना यम्मी यम्मी फ्रूट्स के जूस मिलते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वीट होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो सेंटर थोड़ा सा छोटा है पर हम लोग कभी कभी बाहर बैठ सकते हैं, बैठना है तो अंदर बैठ सकते हैं, बैठना है तो अंदर एसी, पर बाहर तो हवा लगती होगी। देखो मैं अभी चूज कर रही थी क्या मैं लूँ, फिर मैंने चूज किया मैंगो मिल्क शेक। पर का फर्स्ट मैंगो जाके मैंने खाया जो बनता ही है ना गाइस। मैंगो तो बहुत टेस्टी था कि मैं मैंगो ही पहले खाने लग गई फिर आइसक्रीम खा। यह हैंड बर्गर डैडी के लिए मंगाया था जो डैडी को बहुत पसंद है, पूरा को पूरा खा लिया उसने चबाचे चबा के चबा के। ये तो बहुत फनी था है ना। फिर मेरे दीदी के लिए पाव भाजी मंगाया था जो दीदी को चाहिए था और दीदी का मन था खाने को। फिर मैंने पिज्जा खाया, मेरा फेवरेट पार्ट आया था और ये ना चीज पिज्जा था जो आई लव इट। मुझे सॉस के साथ ना बहुत अच्छा लगता है चीज पिज्जा, क्यों मालूम नहीं। ये देखो चीज पिज्जा था, ये चीज था, ये देखो मेरे को भूख नहीं था ना तो मैंने ना चीज निकाल निकाल के खा लिया। बहुत हंसी आ रही थी मुझे, मैं गलती से ना पूरी भाजी है ना चीज के अंदर ना वो भाजी थी तो ना मैंने उसको खाई नहीं रही थी। फिर हम लोग का पास्ता आ गया पिंकी पिंकी जो मैं ही हूँ, पिंकी पिंकी पास्ता आया था पर ना बहुत सारे चीज थे ऊपर के, मैंने चीज खाते जा रही हूँ क्योंकि मुझे चीज बहुत पसंद है। ऐसा लग रहा है कि नूडल्स था। फिर अंदर मैंने पास्ता लिया पर हॉट था ना, गलती से मुझे लगा क्या हॉट नहीं रहेगा, मैंने उड़ी मारी। फिर मेरा फेवरेट पार्ट आया आइसक्रीम, आइसक्रीम लाइक जूस। इस जूस सेंटर में सारे फूड अवेलेबल है, आप यहाँ प्लीज विजिट करना, बहुत अच्छा है। देखो डी के लेमन जूस आया था जो मैंने छीन लिया जानबूझकर, मेरे को तो हंसी आ रही थी और ठंडा तो बहुत था और मुझे बहुत पसंद आया, खट्टा भी बहुत था। बाय बाय गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।